नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 324 चुनाव आयोग, मतलब इसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आपने बहुत सुना होगा, भारत में चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव आ गया, सांसदी का चुनाव बोलते हैं। अब सांसदी का चुनाव आया तो क्या हो गया, आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होगा, कोई अपना पर्चा बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता, सिर्फ ये बेसिक चीज़ें देखी होंगी। लेकिन इनको निर्धारित कौन करता है कि पर्चा बैनर नहीं लगाना है? आप सोच रहे हो सरकार करती नहीं, सरकार क्यों करेगी, सरकार को तो चुनाव लड़ना है। लेकिन जो आचार संहिता लागू होती है उन्हें कौन लगाता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को बनाता कौन है, राष्ट्रपति, संसद, और बाद में उन्हीं के ऊपर ही सब बहन व्यवस्था करते हैं, है ना। तो आगे आओ चर्चा करते हैं आर्टिकल 324 क्या है। आर्टिकल 324 भारत का बड़ा चुनाव, आर्टिकल 324 भारत का बड़ा चुनाव कौन कराएगा, चुनाव आयोग कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। किसके आधार पर कराएगा और किस कब कराएगा, जब चुनाव आएगा तब आर्टिकल 324 एक्ट के तहत चुनाव आयोग एक बड़ा चुनाव कराएगा। उसमें बड़े चुनाव कौन कौन से हैं, लोकसभा का, जो सांसद प्रत्याशी चुने जाते हैं लोकसभा, लोकसभा का जो चुनाव होगा वो कौन कराएगा, चुनाव आयोग कराएगा। देखा नहीं, सबका मतदाता सूची में नाम आता है प्रॉपर, कोई ऐसा नहीं है जिसका मतदाता सूची में नाम ना हो, 18 साल का हो गया हो, वो अपना वोट डाल सकते हैं, है ना। तो भारत का बड़ा चुनाव चुनाव आयोग कराएगा, और कौन कौन से चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, और तुम्हारे मतदाता सूची में जो नाम होंगे उनको कहाँ से कैसे प्रक्रिया जोड़ा जाएगा, ये सब कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। फिर राष्ट्रपति सोचेगा चुनाव आयोग किस प्रकार होगा। अब राष्ट्रपति विचार करेगा कि चुनाव आयोग हमारा किस प्रकार होना चाहिए, तो उस प्रकार से चुनाव आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति। उसमें सारी विचारधारा अपनी व्यक्त करेगा, सारे लॉज वहाँ, रूल एंड रेगुलेशन लगाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी। फिर बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना। चुनाव आयोग होता है, उसका एक चीफ इलेक्शन कमीशन एक होता है, वो क्या होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, है ना। और उसे कौन हायर करता है, राष्ट्रपति, फिर संसद। राष्ट्रपति और संसद की सलाह पर इलेक्शन चीफ कमिश्नर ऑफिसर जो है वो लाया जाता है, हायर किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की लोग व चुनाव की शर्तें। चुनाव आयोग में कौन कौन से लोग रहेंगे, कौन डिसाइड करता है, संसद। कैसे डिसाइड करती है, लॉ बनाएगी, जो चुनाव आयोग के लोग होंगे, चुनाव आयोग की सारे शर्तें होंगी, जो जो कंडीशन वगैरह लगाई जाए, है ना, और उनका वर्ष, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी, संसद मतलब पार्लियामेंट। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग पास होता है, है ना। चुनाव आयोग पास कर दिया राष्ट्रपति ने, उसमें कुछ कंडीशन दे देगी, जो इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल है, जो कैंडिडेट वहाँ पे बैठेगा चुनाव करवाने के लिए, उसका कार्यकाल 6 महीने का होगा, और वह 65 वर्ष की आयु तक दावेदारी कर सकता है। तो ये बोल दिया गया आर्टिकल 324 में। अब इस चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, कौन, चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर, उनको हटाने का क्या रोल है, उनको कैसे हटाया जाएगा, उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। क्या लाना पड़ेगा, महाभियोग, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी, तब उसको हटा सकता है। और महाभियोग कौन लाएगा, संसद, संसद महाभियोग लाएगी, फिर उसको हटाएगी, और फाइनल सिग्नेचर किसके होंगे हटाने के लिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के, है ना। तो आर्टिकल 324 समझ में आ गया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।